हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डीएम शर्मा, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द सिक्स्थ वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द सेकंड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्वांटिटेटिव डेटा से रिलेटेड क्लासिफिकेशन देखा था। अब हम क्वालिटेटिव डेटा को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन दो तरीकों से किया जा सकता है, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या है ये हम अभी समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड सिंपल क्लासिफिकेशन। अ क्लासिफिकेशन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। यानी जिसमें केवल एक ही एट्रीब्यूट हो, ऐसे क्लासिफिकेशन को हम सिंपल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयज ऑफ अ बैंक कैन बी क्लासिफाइड एज अ मैनेजर, अ क्लर्क, अ प्यून, अ सिक्योरिटी पर्सोनल एट्सेट्रा बेस्ड ऑन देयर डेजिग्नेशन और पोजिशन इन द बैंक। तो यहाँ पर एक बैंक स्टाफ का एग्जाम्पल लिया गया है। फ्रेंड्स, हम एक बैंक स्टाफ को कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मेल एम्प्लॉयज, फीमेल एम्प्लॉयज, उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से। तो इस एग्जाम्पल में केवल डेजिग्नेशन के हिसाब से ही क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि मैनेजर, क्लर्क, प्यून, सिक्योरिटी पर्सोनल। तो यहाँ पर जब आप टेबल तैयार करेंगे तो केवल आपके पास एक ही कॉलम आप बनाने वाले हैं, जिसमें आप लिखेंगे डेजिग्नेशन और उसमें मैनेजर, क्लर्क, प्यून, सिक्योरिटी और उनके नंबर्स आप लिख देंगे, टोटल हो जाएगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल क्लासिफिकेशन माना जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डेटा कैरिड आउट बाय कंसीडरिंग मोर देन वन एट्रीब्यूट, यानी जिसमें क्लासिफिकेशन का जो एट्रीब्यूट है वो एक से ज़्यादा हो, ऑफ द यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। हम वही बैंक स्टाफ का ही एग्जाम्पल लेंगे। फ्रेंड्स, स्टाफ ऑफ बैंक इज क्लासिफाइड एज पर दियर डेजिग्नेशन। हम चाहे तो उन्हें डेजिग्नेशन वाइज भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में किया था। एंड मैरिटल स्टेटस, हम वो मैरिड है या अनमैरिड है इस हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और एज पर दियर जेंडर, यानी कि मेल या फीमेल। तो जब इन सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ अप्लाई करना हो तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो हम इन दोनों टाइप के क्लासिफिकेशंस के सम्स सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.2 में जो सम्स दिए गए हैं वो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 1, देयर वेयर 1400 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज। अमंग देम 855 वेयर बॉयज एंड ऑफ देम 225 बॉयज were in the second year. In the second year, the number of boys and the number of girls are equal. Among the 550 students of the first year, the proportion of number of boys and girls is 3:2. In the third year, number of boys is 3 times the number of girls. Represent the above information in a table. तो चलिए इसकी calculation start करते हैं। So friends, there are two attributes given in the sum. First, years of college, in which we will mention FY as first year, SY as second year and TY as third year. And the second attribute is students, those are boys and girls. So according to these two attributes, our table will be like this. आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हमारा सेकंड एट्रीब्यूट इंडिकेट किया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट ईयर्स ऑफ कॉलेज यानी FY, SY और TY मेंशन किए हैं। तो FY के बॉयज़ और FY की गर्ल्स मीन्स FY के टोटल स्टूडेंट्स,
एस वाई के बॉयज़ और एस वाई की गर्ल्स यानी एस वाई के टोटल स्टूडेंट्स, टी वाई के बॉयज़ टी वाई की गर्ल्स यानी टी वाई के टोटल स्टूडेंट्स, और एफ वाई के टोटल एस वाई के टोटल और टी वाई के टोटल यानी टोटल स्टूडेंट्स। अब बॉयज़ गर्ल्स के हिसाब से देख लेते हैं, तो बॉयज़ ऑफ एफ वाई, बॉयज़ ऑफ एस वाई एंड बॉयज़ ऑफ टी वाई तीनों का टोटल यानी टोटल बॉयज़, एंड एफ वाई की गर्ल्स एस वाई की गर्ल्स और टी वाई की गर्ल्स तीनों का टोटल यानी टोटल गर्ल्स। तो टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स इन दोनों का टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल करेंगे तो भी आपको यही टोटल मिलने वाला है, और अगर आप एफ वाई एस वाई और टी वाई के सभी स्टूडेंट्स का टोटल करेंगे तो भी आपको यही टोटल मिलने वाला है। तो आप हॉरिजॉन्टली करें या वर्टिकल करें, ये टोटल सेम रहेगा। अब हम हमारा क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट लाइन, देयर वेयर 1400 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज। तो फ्रेंड्स, टोटल 1400 स्टूडेंट्स हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 1400। तो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बॉयज़ गर्ल्स वाइज लो, चाहे आप एफ वाई एस वाई टी वाई वाइज लो, टोटल आपके 1400 स्टूडेंट्स रहेंगे। अब आगे बोला है, अमंग देम 855 वेयर बॉयज़, यानी कि इन 1400 में से बॉयज़ वो 855 हैं, यानी टोटल ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ ये रहे और उसका टोटल आपको यहाँ पर मिलेगा, मीन्स 855 बॉयज़ हैं। और आगे कहा है, एंड ऑफ देम 225 बॉयज़ वेयर इन द सेकेंड ईयर, मीन्स इन सभी बॉयज़ में से 225 वो सेकेंड ईयर के बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर हमने 225 लिख दिया। आगे कहा है, इन द सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल, यानी सेकेंड ईयर में बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बॉयज़ 225 हैं तो फिर गर्ल्स भी 225 ही होंगी, ये कॉमन सेंस है। अब 225 प्लस 225 अगर इन दोनों का हम टोटल करें तो 450 वो हमें टोटल एस वाई के स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। आगे की लाइन में कहा गया है, अमंग द 550 स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:2। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर के टोटल स्टूडेंट्स 550 हैं, तो फर्स्ट ईयर के टोटल स्टूडेंट्स में हम यहाँ पर 550 लिख देंगे। अब कहा गया है कि ये 550 स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो फ्रेंड्स वो 3:2 है, तो आपको इस 550 को 3:2 में डिवाइड कर देना है। तो फ्रेंड्स, 3:2 में पहले बॉयज़ का नाम लिया गया है, यानी 3:1 वो बॉयज़ के लिए रहेगा और 2:1 वो गर्ल्स के लिए रहने वाला है। तो हम यहाँ पर, मैं एक आपको छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, आपको ये एग्ज़ाम में मेंशन नहीं करनी है। 550 मल्टीप्लाइड बाय बॉयज़ का जो रेशियो है वो 3 है, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल यानी 3:2 है, सो 3+2 यानी 5 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 550 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 330। तो जो बॉयज़ हैं वो 330 रहेंगे। अब गर्ल्स के लिए भी हम करके देखते हैं, टोटल 550 मल्टीप्लाइड बाय गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2 है, सो 2 और डिवाइडेड बाय तो 5 ही रहने वाला है, तो वो यहाँ पर 220 आने वाला है। तो आप टैली करने के लिए देख सकते हैं कि जब हम 550 को रेशियो वाइज डिवाइड करते हैं तो 330 और 220 आता है, और जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो हमें 550 मिल जाता है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इन द थर्ड ईयर नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। थर्ड ईयर में फ्रेंड्स जितनी गर्ल्स हैं उसकी 3 times ज़्यादा बॉयज़ हैं। तो पहले तो हमें ना तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता है ना नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एफ वाई प्लस एस वाई प्लस टी वाई इज इक्वल टू 1400 होता है, तो हम इस 1400 में से 550 प्लस 450 इन दोनों का टोटल माइनस कर देंगे तो हमें टी वाई का टोटल मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स 550 प्लस 450 विल बी 1000, और अगर मैं 1400 में से 1000 माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर TY के टोटल स्टूडेंट्स 400 मिलते हैं। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 3 times ऑफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो जब तक आपको नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता नहीं चलता तब तक आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी पता नहीं चलेगा। तो बेस में यहाँ पर गर्ल्स हैं, जितनी गर्ल्स होंगी उसका हम 3 times करेंगे तो हमें बॉयज़ मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर सपोज़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 1, therefore नंबर ऑफ बॉयज विल बी 1 का 3 times मीन्स 3। एंड टोटल जब आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 4। तो हमारे पास फ्रेंड्स जो सम है उस सम में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो हम इस टोटल का ही यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है और वो है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो इस टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ भी हमारे पास टोटल है तो यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल और उसके सामने लिखता हूँ बॉयज़। आप चाहें तो गर्ल्स भी लिख सकते हैं। जब टोटल 4 है तब बॉयज़ 3 हैं। हमारे पास टोटल 400 है तो गर्ल्स हाउ मच, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 300। सेम ऐसे ही आप गर्ल्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, टोटल 2 गर्ल्स, तो टोटल 4 तब गर्ल्स हमारे पास 1 है तो 400 पे गर्ल्स कितनी होंगी, सो 400 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 4 विल बी 100। सो थर्ड ईयर में जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो हैं 300 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो है 100, और इन दोनों का टोटल हमारा मैच हो जाता है 400। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी थी इसलिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाई, अदरवाइज़ बिना इस कैलकुलेशन के भी ये सम तो आपका सॉल्व हो ही जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टोटल 855 स्टूडेंट्स हैं। अब इस 855 का टोटल वो FY, SY और TY के बॉयज़ को मिलाकर होता है, तो आपके पास FY और SY के बॉयज़ तो थे ही। तो अगर आप 855 में से 330 और 225 माइनस कर देते हैं तो भी आपको 300 यहाँ पर मिल जाता है, और जब आपको ये मिल जाएगा 300 तो फिर 400 में से 300 माइनस करके आप यहाँ पर 100 भी ला सकते हैं। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, 1400 में से आप 855 बॉयज़ माइनस करेंगे तो आपको गर्ल्स का टोटल मिल जाएगा, और फिर उस गर्ल्स में से आप 220 प्लस 225 माइनस करेंगे तो भी आपको 100 मिल जाएगा। और अभी हमने जैसे कैलकुलेशन करके निकाला है वैसे तो हम निकाल ही सकते हैं। तो इस टाइप के सम्स में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा सम नहीं भी पढ़ते फिर भी हमारी टेबल टैली हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी टेबल अब रेडी हो चुकी है। हम 220 प्लस 225 प्लस 100 का जब हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 545। अब हमारा सम राइट है या रॉन्ग है वो चेक करने के लिए आप देख सकते हैं ये जो 545 है वो हम इन तीनों का टोटल करके लाए हैं। अब अगर इन दोनों का टोटल 1400 हो जाता है तो हम राइट हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करके देख सकते हैं वो 1400 हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सम खत्म होता है। सो फ्रेंड्स वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मेथड ऑफ द सम। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।